आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BSNL सिम कार्ड के बारे में। अगर आपके पास भी BSNL का सिम कार्ड है और गाइज आप भी यहां पे BSNL का ऐप यूज करते होंगे, जैसे गाइज यहां पे जैसे जो भी कंपनी का सिम कार्ड, जैसे जियो का उसका भी एक अपना एप्लीकेशन है माई जियो, जैसे यहाँ पे एयरटेल का तो उसका भी एक अपना एप्लीकेशन है एयरटेल थैंक्स ऐप, और यहाँ पे VI का तो VI का भी एक अपना एप्लीकेशन है VI। तो उसी प्रकार के यहाँ पे BSNL का भी एक अपना एप्लीकेशन है जिसका नाम है BSNL सेल्फ गेज यहाँ पे क्लियर। और मैं आपको इस वीडियो में इसी ऐप को यूज करने का पूरा प्रोसेस बताऊँगा। अगर आपके पास भी BSNL का सिम कार्ड है तो आप इस ऐप को यूज करना सीख जाइए, जिसमें कि आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे BSNL में 5G कब तक आएगा, 4G कैसे गई यहाँ पे एक्टिवेट करें, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। साथ ही गई यहाँ पे जो BSNL का इस ऐप है इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, कैसे आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कर पाएंगे, कैसे आप अपना यहाँ पे इंटरनेट को देख पाएंगे कि मेरा कितना इंटरनेट है, कितना मेरा यहाँ पे इंटरनेट यूज हो गया, तो इन सभी चीज़ों को मैं आपको यूज करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे BSNL सेल्फ केयर ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको ओपन करना है। जैसे पहली बार ओपन करेंगे तो आपको गाइस यहाँ पे लैंग्वेज को चूज करके सिंपल गाइस यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, BSNL का नंबर डालने के साथ ही आपके नंबर पे OTP आएगा। जैसे गाइस यहाँ पे OTP डालेंगे आपके सामने यहाँ पे BSNL का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका BSNL का नंबर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो आपने रिचार्ज करके रखा होगा जितने भी GB का जिसका जितना गाइस उसका यहाँ पे वैलिडिटी होगा वो सारे गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे पास गाइस यहाँ पे इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास BSNL का सिम कार्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ जिससे अगर आपके पास BSNL का सिम कार्ड है तो आप गाइस यहाँ पे बहुत आसानी से यूज कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप थोड़ा सा गाइस यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है अपग्रेड सिम कार्ड टू 4G यहाँ पे सर्विस। अगर आपका 4G सर्विस काम नहीं कर रहा है तो सिंपल गाइस आपको इस वाले ऑप्शन में एंटर करना। जैसे आप इस वाले ऑप्शन में एंटर करेंगे तो सिंपल गाइस यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि गाइस यहाँ पे आपका जो है सिम में 4G का नेटवर्क अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप जो इस एप्लीकेशन में गेम्स को भी खेल पाएंगे। आपको गाइस यहाँ पे गेम्स खेलना है, गाइस यहाँ पे आपको लूडो वाला गाइस यहाँ पे गेम खेल पाएंगे। गाइस यहाँ पे जिस गेम को खेलने के लिए गाइस आपको यहाँ पे क्वाइन भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे गेम खेलना चाहे तो गेम भी खेल पाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है BSNL के इस ऐप से तो यहाँ पे आप रिचार्ज पे जाएंगे, सिंपल यहाँ पे नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सारे प्लान शो कर जाएगा, और जो भी गाइस आपको रिचार्ज करना है आप गाइस यहाँ पे उस रिचार्ज को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पे बिल्स देखने को मिलेगा, सिंपल पे बिल्स पे जाएंगे। आप यहाँ पे गाइस यहाँ पे पोस्टपेड का रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप गाइस यहाँ पे पोस्टपेड का गाइस आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर आपको गाइस यहाँ पे फाइबर बुक करना है तो गाइस यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे बुक फाइबर वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसमें जाने के बाद गाइस आप यहाँ पे फाइबर भी बुक कर सकते हैं और गाइस यहाँ पे एयर फाइबर भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके जहाँ पे घर है आपके घर पे यहाँ पे फाइबर है या नहीं तो आप गाइस यहाँ पे चेक कर सकते हैं और गाइस आप यहाँ पे फाइबर को गाइस यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, फाइबर को यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको गाइस यहाँ पे गेम्स तो मैंने आपको इस वीडियो में गाइस मैं आपको दिखा दिया, यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट भी देखने को मिलेगा। गाइस आप यहाँ पे इसमें आएंगे तो यहाँ पे आप गाइस यहाँ पे वीडियो मूवी और गाइस यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, आप गाइस यहाँ पे इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे मेरा लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे देखिए वाव इंटरनेट इसका नाम है, यहाँ से गाइस आप जो है यहाँ पे इंटरटेनमेंट भी कर पाएंगे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे अपने नंबर में आपको गाइस यहाँ पे कॉलरट्यून स्विच करना है, आपके नंबर पे यहाँ पे आपको BSNL गाइस यहाँ पे टीन्स देखने को मिलेगा। इसमें आप जैसे जाएंगे, इसमें जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आप गाइस यहाँ पे जो है बहुत आसानी से
गाइस यहाँ पे आप अपने नंबर पे कॉलर ट्यून को सेट कर पाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको रिवार्ड वाला सेक्शन मिलेगा। रिवार्ड के सेक्शन में जाएंगे तो आपको गाइस यहाँ पे फ्री में जीबी या फ्री में रिचार्ज जो भी चीज़ में मिलता है वो सब आपको गाइस यहाँ पे मिल सकता है। तो गाइस आप इस प्रकार से गाइस यहाँ पे जो है BSNL सेल्फ केयर ऐप में इन सभी चीज़ों को आप यूज कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि BSNL सेल्फ केयर ऐप कैसे यूज करते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, गाइस यहाँ पे कितने तरह के काम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।